ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। लखनऊ के गणेशगंज स्थित इलाके में एक मकान तेज बारिश के चलते ढह गया। इस हादसे में दो लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। लखनऊ में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते गणेशगंज इलाके में यह मकान ढह गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है और यह मकान आज सुबह ढह गया है और इस मकान में मलबे के अंदर माँ बेटी फंस गए थे और दोनों को इलाज के लिए पुलिस अस्पताल ले गई थी। हालांकि जो बच्ची है उसकी मौत हो गई है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी और जो महिला है उसका इलाज बलरामपुर अस्पताल में चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस मौजूद है और इस पूरे आसपास के मकानों को भी खाली करा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अभी भी मलबा हटाया जा रहा है। मकान गिरा है। बाइक कर रहे हैं ना, रुकिए तो। ये मकान लगभग 60 से 70 बरस पुराना था। मकान में कुल 6 लोगों का परिवार रहता है। हादसे के वक्त मकान में रहने वाली माँ बेटी मौजूद थी। मकान गिरा है। दोनों माँ बेटी को गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद लेकर प्रशासन ने इनको बाहर निकाला है। दोनों माँ बेटी को लखनऊ स्थित बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। बाकी 4 लोग सुरक्षित हैं।